रियलमी ने शाओमी की तरह अपना एक सब ब्रांड क्रिएट कर दिया है। अब रियलमी को भाई क्रिएट करने वाला था ओप्पो और वीवो, ऐसे सारे बीबी के में आते हैं, बट स्टिल रियलमी को कोई नीड नहीं थी मेरे हिसाब से ये ब्रांड को क्रिएट करने के लिए। बट मुझे लगता है ये ब्रांड आया है तो देखते हैं कैसे काम करता है। अभी तो फिलहाल इसने जो ईयरफोन निकाले हैं डीजो वायरलेस और यहाँ पर जो डीजो गो पॉड्स टी है वो निकाला है। अब इसकी जो प्राइसिंग है वो चालू होती है 1299 से नेक बैंड के लिए। यहाँ पर जो ट्रू वायरलेस आता है वो आता है 1399, तो एक अच्छी डील है। एंड मैं यहाँ पर बोल दूँ, यहाँ पर जो वायरलेस नेक बैंड है वो है रियलमी बड्स वायरलेस 2, वो भी रीब्रांड किया गया है, इंडिया में रीब्रांड करके लेके आए हैं। और यहाँ पर गो पॉड्स डी है वो है रियलमी बड्स Q2, उसका टोटली रीब्रांड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई दोनों की कितनी प्राइसिंग में डिफरेंशिएट है, और आपको सेम स्पेक्स इतने कम प्राइसिंग में मिल रहे हैं। यहाँ पर शायद से माइक्रो यूएसबी होगा, पता नहीं, कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग की होगी। तो भी यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो भाई सारी चीज़ें सिमिलर है, तो क्या मतलब है रियलमी के अभी वायरलेस ईयरफोन को लेके। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है कि भाई रियलमी के जो TWS है उसको प्रीफर करो या फिर मतलब जो नेक बैंड है उनको प्रीफर करो। अब यहाँ पर जो रियलमी बड्स एयर 2 आया है उसका भी डीजो ने रीब्रांड किया है, अब फ्यूचर में उसका भी आता है वर्जन। तो यहाँ पर जो एयर 2 अभी आता है रियलमी का, उससे प्राइसिंग कम हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत वियर्ड हो रही है, मुझे नहीं पता कि भाई डीजो ब्रांड ये कम कैसे प्राइसिंग पे ला रहा है। और यहाँ पर अभी ये जो डीजो का नेक बैंड आया है उसका थोड़ा स्पेक्स बता देता हूँ। 11.2 mm बेस वाले ड्राइवर्स हैं, और यहाँ पर आपको टोटल जो प्लेबैक है वो मिलता है 17 आवर्स का। 88 ms सुपर लो लेटेंसी मोड है, लाइट वेट है, और यहाँ पर जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मिलता है वो मिलता है। ब्लूटूथ 5.0 है, IPX4 वाटरप्रूफ है, यहाँ पर जो रियलमी लिंक ऐप है उससे वर्क करता है, और मैग्नेटिक कनेक्शन है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर जो डीजो का जो बड्स आता है गो पॉड्स टी वो आपको देता है 20 आवर्स का प्लेबैक, 110 ms सुपर लो लेटेंसी, और यहाँ पर हमें 10 mm के बेस ड्राइवर मिलते हैं, और यहाँ पर हमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, 5.0 है, ब्लूटूथ वाला, IPX4 वाटरप्रूफ है। यहाँ पर जो रियलमी लिंक एप्लीकेशन है उससे भी ये वर्क करने वाला है, और यहाँ पर मैग्नेटिक हमें जो स्टाइल है वो टेक्सचर मिलता है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल सी है, और अगर आप कंपैरिजन करोगे ना बड्स से जो Q2 है उससे एकदम टोटली मैच करता है, तो वो एक अच्छी डील मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो 2400 के आसपास आता है, और ये 7 जुलाई से इसकी जो सेल है वो दोनों की चालू होने वाली है फ्लिपकार्ट पे, और ये 12 PM से चालू होने वाला है। तो आपको मतलब सुबह जल्दी उठ के इसकी सेल में भाग लेना पड़ेगा। अब मैं तो यहाँ पर इसको कोई प्रिफर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जो वायरलेस प्रो है उसका अभी तक सक्सेसर नहीं आया है। अब देखते हैं उसका कब आता है, तब उसको परचेस करेंगे। ये तो है बहुत ही लाइट वर्जन, क्योंकि यहाँ पर इसके जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो नेक बैंड में अभी मुझे फ़िलहाल ये साल अपग्रेड करने की कोई नीड नहीं है। अगर कोई यहाँ पर अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव आता है, जैसे कि अभी नथिंग का आ रहा है, अगर वो आता है कुछ अच्छा लेके आता है तो शायद से उसमें अपग्रेड कर ले, शिफ्ट हो जाए। ब्लैक सी क्या होता है ये तो भाई फ्यूचरिस्टिक अभी बातें बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये डीजो ब्रांड क्यों रियलमी क्रिएट कर रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स को रीब्रांड करके कुछ चीज़ों को नया ला रहे हो, कुछ फीचर्स अच्छे ला रहे हो, कुछ कलर ऑप्शन नए ला रहे हो, वही बस एक एक्स्ट्रा फीचर है, उससे ज़्यादा तो भाई कुछ अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या है ये ब्रांड को क्रिएट करना, आप खुद के ही मतलब सेल्स को डाउन करना चाहते हो। और यहाँ पर अगर आपका कुछ थॉट्स है, रिएक्शन है, तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन बिलो में। थोड़ा प्रैक्टिकली बात करना था और थोड़ा अच्छे वे में समझाना था, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। एंड बस यहाँ पर फिलहाल वीडियो जो है वो खत्म हो जाती है।